subject है EE307 power system second, unit है 7th construction of underground distribution cables. आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स का मतलब ये है कि इसको किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है. तो सेवरल टाइप्स से हमने इन अंडरग्राउंड केबल्स को क्लासीफाई किया है, अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाइड किया है. तो वेरियस एस्पेक्ट्स आर एज दिस. फर्स्ट है नंबर ऑफ कंडक्टर इन केबल, है ना. जो एक केबल होती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करते हैं. जो वोल्टेज रेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग इन केबल्स को क्लासीफाई कर रखा है अंडरग्राउंड केबल्स को. तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, उसको किस टाइप से बनाया हुआ है. फिर नेक्स्ट है टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यूज्ड. उस कंडक्टर के ऊपर जो भी केबल्स के ऊपर जो इंसुलेशन किया है वो किस टाइप का मटेरियल का है और उसकी थिकनेस क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया. और लास्ट है इंस्टॉलेशन एंड लेइंग ऑफ केबल, मतलब कि उसको कैसे इंस्टॉल करना और कैसे उन अंडरग्राउंड केबल्स को हम बिछाते हैं वो बताया गया है. ठीक है, तो फर्स्ट अपन लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन केबल. तो केबल्स के अंदर जितने भी हो सकता है वो सिंगल कोर केबल हो सकती है, थ्री कोर केबल्स हो सकती है. जनरली हम थ्री फेज पावर को हम ट्रांसमिट करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका प्रयोग में लेते हैं. तो थ्री कोर केबल्स जो होती है वो एक्चुअली 66 केवी के लिए काम में लेते हैं. बियॉन्ड दिस इंसुलेशन रिक्वायर केबल इज़ टू मच हायर. इसके बाद में इसका इंसुलेशन जो होता है अधिक हो जाता है ना. तो थ्री कोर केबल जो होता है वो थोड़ा भारी हो जाती है इवन विद द सेम लिमिटेशन फॉर सिंगल कोर केबल. ठीक है, तो इस तरीके से हम थ्री कोर और फोर कोर सिंगल कोर का प्रयोग हम ले सकते हैं. फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द वोल्टेज रेटिंग ऑफ केबल, है ना. तो वोल्टेज रेटिंग क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने नाम दिया है लाइंस का. तो पहला आता है लो टेंशन केबल. जो लो टेंशन केबल होती है वो 1 KV या फिर 1000 वोल्ट के लिए उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, जिसको हमने लो टेंशन केबल नाम दिया है. और जो हाई टेंशन केबल्स होती है उनका मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है वो 11 KV की होती है. और जो थर्ड है सुपर टेंशन केबल, उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो 33 KV की है. ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल. जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स होती है उनका जो मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है वो 66 KV की होती है. और लास्ट जो है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स जो होती है उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटी जो होती है उसकी अबाव 132 KV होती है. तो इस तरीके से हमने इसको LV, HV, SHV, EHV और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स इस तरीके से इसका नाम दिया है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज. फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल. अब उसकी बनावट कैसी है. फर्स्ट है बेल्टेड केबल. अगर बेल्टेड टाइप की केबल हम प्रयोग में ले रहे हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 कंडक्टर्स है. ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर 3 केबल्स या कोर है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हमने एक बंच बना लिया है तीनों का और उसको बंडल कर दिया है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग पेपर के साथ में उसको बंडेड कर दिया है, जिसको हमने बेल्ट बोल दिया है. जिसको बाउंड करा है उसको बेल्ट बोल दिया है, इस वजह से इसका नाम हो गया बेल्टेड केबल. ठीक है, इन इस टाइप की जो केबल होती है उसका जो इंसुलेशन होता है वो पेपर इम्प्रेगनेंट टाइप का काम में लेते हैं, जिसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो सही होता है. ठीक है, और जो तीनों केबल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो इस तरीके से रखते हैं. किसकी हेल्प से रखते हैं, इंसुलेटिंग पेपर को बना के उनकी तीनों के लिए इंडिविजुअली इंसुलेटिंग पेपर का प्रयोग लेते हैं. और वो पेपर किस टाइप का हो सकता है, फाइब्रेरियस डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होता है. तो फाइब्रेरियस मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, तो जूट और हाइजन टैप का प्रयोग में लेते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से हम सर्कुलर शेप दे सकते हैं कंडक्टर को. ठीक है, और फिर अगर बात करें तो जूट लेयर जो होती है वो कवर्ड रहती है, किसके ऊपर रहती है, मेटलिक शीट की सहायता से वो कवर्ड रहती है.
ठीक है, और मेटेलिक शीथ जैसे पहले सबसे पहले जूट लेयर आ गई, फिर उसके ऊपर मेटेलिक शीथ आ गया, फिर लास्ट में आर्मोरिंग फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इंसुलेटिंग लेयर्स यहाँ एक कंडक्टर को ऊपर चढ़ाते हैं और एक स्पेशल केबल तैयार करते हैं जिसको हम सर्कुलर शेप दे सके। अगर सर्कुलर शेप नहीं दे रहे तो अवेलेबल फॉर मी मोर स्पेस इफेक्टिवली, है ना। तो ये मैंने इसका डायग्राम बताया है, ये बंच ऑफ थ्री केबल्स है। सबसे पहले एक कंडक्टर्स है, उसके ऊपर एक पेपर इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, फिर पेपर बेल्टेड होता है जो पेपर इम्प्रेगनेंट का प्रयोग में लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसका अच्छा होता है, फिर पेपर शीट का प्रयोग में करते हैं, फिर लास्ट में आर्मोरिंग एंड देन सर्विंग। इस तरीके से स्टेप्स होते हैं एक केबल को बनाने के। सबसे पहले कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर आती है, उसके ऊपर पेपर आता है, पेपर के ऊपर लैड शीट आती है, लैड शीट के ऊपर आर्मोरिंग आता है एंड देन सर्वेइंग करते हैं। इस तरीके से स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद में एक केबल तैयार होती है। इसका प्रयोग हम लो वोल्टेज अबाउ 11 kV के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं स्क्रीनड केबल। अब स्क्रीन केबल को भी फर्दर डिवाइड किया है हमने, इसको एच टाइप, एस एल टाइप एंड एच एस एल टाइप, ये तीन प्रकार की टाइप्स होती है। तो पहला जो हम लेते हैं एच टाइप, इसका डिज़ाइन जो है एम हॉशर ट्रेडलर ने किया है, ठीक है। इसमें थ्री कोर केबल्स को हम इंडिविजुअली इंसुलेटेड पेपर की सहायता से कवर कर लेते हैं, जिसको हमने मेटेलिक स्क्रीन या कवर्ड बोला है, ठीक है। तो मेटेलिक स्क्रीन कैसा है, मेटेलिक मटेरियल से वो सेपरेट हो रही है, इस वजह से उसको मेटेलिक स्क्रीन या फिर कवर्ड बोला है, ठीक है। फिर कवर करने के बाद में क्या होता है कि जो कि थ्री कोर्स होती है वो मेटेलिक स्क्रीन रहती है, एक दूसरे को टच नहीं करती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो कवर होता है वो ना ग्रुप्ड रहता है टुगेदर इन मेटेलिक टेप के अंदर, एक बंच बन जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मेड ऑफ कॉपर टेप का प्रयोग कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो लेड शीट होती है वो सराउंडेड विद दिस कंस्ट्रक्शन, ये जो लेड शीट होती है इससे कवर्ड रहती है, फिर मेटेलिक कवर जो होता है शीट और ग्राउंडेड कर देते हैं। ऑब्वियसली एडवांटेज ये है कि इसका इलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो रेडियल रहता है और नॉन टेंजेंशियल रहता है, जिसके कारण क्या होता है लेस मैग्नीट्यूड क्रिएट होता है, और जो मेटेलिक कवर होते हैं इम्प्रूव द हीट डिसिपेशन जो होता है वो कम रहता है। किसके कारण कम होता है, मेटेलिक कवर्स के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं एस एल टाइप केबल। एस एल टाइप केबल का भी डिज़ाइन एच टाइप के केबल के समान ही है, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें जो थ्री कोर केबल्स होती है उसमें सेपरेट तीनों के लिए अलग अलग लेड शीट का प्रयोग करके इंसुलेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ओवरऑल शीथिंग जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है जो लॉसेस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और एडवांटेज ये रहते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, और जो कोर टू कोर ब्रेकडाउन होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। किसके कारण, इंडिविजुअली इंसुलेशन जो देते हैं उसके कारण, ठीक है। फिर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ केबल इज़ इम्प्रूवड हो जाती है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किसके लिए करते हैं, वोल्टेज अप टू 66 kV के लिए एस एल टाइप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें ना जो इंडिविजुअल शीट जो होते हैं वो थिनर होते हैं, एकदम पतला पतला होता है, एंड इफ़ देर आर कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट प्रॉब्लम कुछ हो जाती है तो मॉइस्चर में आइदर एंटर द केबल एंड रिड्यूसेस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब कहने का मतलब है अगर तीनों में से एक का भी मेटेलिक शीट खराब हो जाता है तो उससे क्या होता है उस केबल के अंदर मॉइस्चर एंटर हो जाता है, जिससे उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है केबल की वो खराब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी मैंने एच एल और एस एल टाइप का डायग्राम बना के बताया है। सबसे पहले एक कंडक्टर्स है, उसके बाद में हम इंसुलेशन करते हैं, तो पेपर इंसुलेशन करा है, फिर मेटेलिक स्क्रीन किया है, फिर लेड शीट की लेयर आ रही है, फिर आर्मोरिंग आ रहा है एंड देन सर्वेइंग, है ना। आर्मोरिंग क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर होता है उसको एंटर नहीं होने देता है। सर्वेइंग लास्ट में एक कवर्ड प्रोटेक्शन है ओवरऑल, जिससे सारे इंसुलेशन लेयर प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो सिमिलरली एस एल टाइप में भी एक कंडक्टर है, पेपर इंसुलेटर है, मेटेलिक स्क्रीन है, सेपरेट लेड शीट है, जैसे उसमें एक ही लेड शीट थी, इसमें
सेपरेट लेड शीट्स का प्रयोग कर रहे हैं विद कॉटन टैप एंड हेजन टैप एंड आर्मोरिंग जो है मॉइस्चर को रोक रहा है, सर्विंग जो है टोटल विथस्टैंड टू मैकेनिकल स्ट्रेस को कवर करने के विथस्टैंड करने के लिए। और एच एस एल टाइप का जो केबल है वो एच और एस एल दोनों का कॉम्बिनेशन है टू प्रोवाइडेड विथ सेपरेट लेड शीट, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर बात करते हैं प्रेशर केबल। अब जो ये जो केबल्स होती है ये सॉलिड केबल्स होती है, ठीक है, जो ठीक है, तो इसका प्रयोग हम अप टू 66 केवी का करते हैं, पर बियॉन्ड 66 केवी के लिए हम प्रेशर केबल्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे ही 66 केवी का से ऊपर जब वोल्टेज बढ़ता है तो जो केबल होती है वो अनरिलायबल हो जाती है और उनके अंदर ना वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं, वॉइड्स ना कुछ छेद की तरह होते हैं जिससे वो जो कि 66 केवी से ऊपर वोल्टेज होने पे क्रिएट हो जाते हैं केबल के अंदर, जिससे जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रेशर केबल का प्रयोग किया है। और प्रेशर केबल जो होती है ये जनरली ना ऑयल फील्ड और गैस फील्ड टाइप की होती है। अब ऑयल फील्ड गैस का मतलब ये है कि जो वॉइड्स क्रिएट हुए हैं केबल के अंदर उस वॉइड्स को हम ऑयल के साथ ऑयल्स को फिल करके उसको हटा देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है सब मेंटेनेंस जो मेंटेन रहती है उसकी ना क्वालिटी मेंटेन रहती है, सर्वे की प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहता है, ठीक है, जो ऑयल यूज्ड होता है वो सेम दैट इन एम्प्लॉयड फॉर द इम्प्रेगनेशन ऑफ पेपर इंसुलेशन के लिए जो प्रयोग में लेते हैं उसी तरीके से ऑयल का प्रयोग करते हैं। फिर गैस फील के लिए हम यूजली नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑयल को फील किया है इन वॉइड्स के अंदर उसी तरीके से इसका प्रयोग कर लेते हैं नाइट्रोजन गैस का, जिससे वो एयर टाइट हो जाते हैं, खड्डे भर जाते हैं, ठीक है। तो केबल ऑफ कैरिंग हाई वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड ऑपरेट एट हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बट ओवरऑल कॉस्ट जो है इसकी बढ़ जाती है क्योंकि गैसेस और जो ऑयल आता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द इंसुलेशन ऑफ केबल, ठीक है। अब इंसुलेशन कौन सा हो सकता है, रबर हो सकता है, पेपर, पीवीसी, एक्सएल, पीएस, क्रॉस लिंक्ड, है ना, लिंक्ड पॉलीथीन है, पॉलीथीन का इस टाइप की टाइप ना इंसुलेशन का प्रयोग में लाते हैं। ये किस टाइप से होता है, इनकी भी क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिटेशन। तो एक टेबल बना के बताइए यहाँ पे, अगर पीवीसी टाइप ए क्लास का है तो 75 डिग्री इसका टेम्परेचर रहेगा इंसुलेटिंग मटेरियल के केस में, और पीवीसी टाइप बी क्लास का है तो 85 डिग्री सेल्सियस, सी टाइप का है तो 85 डिग्री चल सकता है, एक्सएलपीएल जो है एक्सएलपीएल मतलब कि क्रॉस लिक पॉलीथीन जो है इसके अंदर 90 डिग्री सेल्सियस, और रबड़ जो है 90 डिग्री सेल्सियस का चल सकता है। अब रबड़ के भी चार पांच क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो ई पी आर आई ई टू थ्री फोर एंड फाइव के लिए 150 डिग्री सेल्सियस से चल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये टेबल शो कर रही है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द इंस्टॉलेशन एंड लेइंग ऑफ केबल। अब जब इंस्टॉल करना होता है इन केबल्स को तो कैसे करते हैं, तो फर्स्ट मेथड है डाइट ब्रूड। दिस इज नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि अंडरग्राउंड केबल को हम ट्रेंच विदाउट एडिशनल एसेसरी के इसको डायरेक्ट बिछा सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स कूलिंग पाइप्स आर एडिट इफ़ रिक्वायर्ड, रेयर केस में ऐसा होता है कि कूलिंग पाइप की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज हम इससे डायरेक्टली इसको ज़मीन के अंदर बिछा देते हैं, ठीक है। तो वंस द केबल आर इंस्टॉल देयर इज़ नो विजिबल साइन अबाउट द ग्राउंड, पर इसका ड्रॉबैक ये है कि डायरेक्ट बिछने में कोई भी विजिबल साइन नहीं होता है ज़मीन के ऊपर कि ये कहाँ बिछी हुई है, ठीक है। फिर बात करते हैं थ्रो की, तो कॉन्क्रीट थ्रोट्स आर डक्स एंड केबल आर इंस्टॉल्ड इन देम, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि कॉन्क्रीट के डक्स बना के फिर उसके अंदर ना कंडक्टर्स को बिछाया जाता है, केबल्स को बिछाया जाता है, जिससे क्या है वो विजिबल सरफेस रहता है, टू मेंटेनेंस इजी रहती है, जिससे इसकी मेंटेनेंस जो है इजी रहती है। फिर बात करते हैं टनल टाइप की, टनल टाइप में एक टनल बना के डक्स के अंदर इसको लाइन को बिछाते हैं। सच कंस्ट्रक्शन मेनली एम्प्लॉयड इफ रिवर नीडेड टू बी क्रॉस, रिवर को क्रॉस करते हुए अगर अपन को केबल को बिछाना है तो इस टाइप की टनल्स का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है।
जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो मेजर सिटीज़ में मेंटेनेंस एंड फ्यूचर एक्सपांशन इजी रहता है, बट इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर गैस इंसुलेटेड टाइप की ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर केबल ऑपरेटिंग एट हायर वोल्टेज एंड करंट के लिए काम में लेते हैं, इस जिसकी हैंडलिंग पावर भी अधिक होती है। गैस इंसुलेटेड लाइन कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेफ रहता है। एम्प्लॉय आजकल इस टाइप की गैस इंसुलेटेड टाइप की केबल्स का प्रयोग लेते हैं बिछाने के लिए। ये एडवांस प्रोजेक्ट है। थैंक यू।